मंडल आयुक्त रणवीर प्रसाद ने आज शाहजहांपुर में थाना दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुनी। इसके साथ ही उन्होंने अस्थायी गौशाला का निरीक्षण कर अधीनस्थों को गौरक्षों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशन किए। बीओ वन मंडल आयुक्त रणवीर प्रसाद और डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने अस्थाना दिवस पर कोतवाली में फरियादियों की फरियाद सुनी। दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी हाल में जनता की फरियाद को दबा कर ना रखा जाए, उसका निस्तारण 24 से 48 घंटे के अंदर कर दिया जाए। यदि इससे किसी तरह की कोई कोताही बरती गई तो दोषी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों के लिए रूट का चयन और उस पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जाने चाहिए। यहाँ पे कमियाँ तो सबसे बड़ी ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भर जाता है और फिर यहाँ पे दलदल हो जाता है, हम लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती है और जानवर भी उसमें फंस जाते हैं। तो आज डीएम साहब ने यहाँ पर खड़ंजा बिछवाने के लिए कहा है और जो नांदी जो है नीची है उनको ऊंचा कराने के लिए कहा है। थाना दिवस में मुख्यतः भूमि विवाद संबंधी समस्या है जो पैमाइश अथवा कब्जे के बारे में है, उसमें जो ऐसी प्रक्रिया है उसको दर्ज करने के बाद उसके बाद जो टीमें जाती हैं राजस्व और पुलिस की, उनका निरीक्षण करके उन समस्याओं का यथासंभव निस्तारण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पर कांवड़ यात्रा के बारे में भी लोगों से बातचीत की, मुख्यतः प्रकाश व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और सफाई, इन पर चर्चा हुई है और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए जाएंगे कि ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।